4 जनवरी की बैठक तो पहला किसान जथेबंदियों का वड्डा ऐलान वेखन मिले। जेकर 4 तारीख को हल ना निकलिया तो 6 जनवरी को KMP हाईवे जाम कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ऐलान कर दिया गया किसान जथेबंदियों वालों। जी हाँ, शाहजहाँपुर बॉर्डर से बैठे किसान भी दिल्ली वाल कूच करेंगे। 6 से 20 जनवरी तक देश जागृति अभियान चलाया जाएगा। सरकार के झूठे बयान के खिलाफ मुहिम छेड़ी जाएगी। यह बयान आया योगेंद्र यादव का, तुम्हें दस दिए समुचे तौर के उपर किसान आगू वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दसिया गया कि 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिहाड़ा भी मनाया जाएगा। अंबानी अडानी भाजपा आगुआ का विरोध जारी रखने का ऐलान भी किसान आगू वालों कर दिया गया। पर सब तो वड्डा ऐलान जो अज वेखन को मिले, स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि 4 जनवरी जो बैठक च कोई हल ना निकलिया तो फिर 6 जनवरी कुंडली मानसर पलवल हाईवे KMP हाईवे जाम कर दिया जाएगा। चार तारीख को हमारी वार्ता है। अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं, अगर तो 6 तारीख को KMP पे मार्च का जो प्रोग्राम हमने पहले 31 तारीख के लिए अनाउंस किया था, वो प्रोग्राम 6 तारीख को किया जाएगा KMP पे मार्च का। नंबर 2, शाहजहांपुर बॉर्डर जहां हम पिछले 20 दिन से बैठे हुए हैं, अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके अगर हमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती तो हम अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके शाहजहांपुर बॉर्डर में भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 3, 6 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो 2 हफ्ते हैं, 20 तक, 6 तारीख से 20 तारीख तक 2 हफ्ते में पूरे देश में देश जागृति अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में रैली, धरने, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि सरकार के इस झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जा सके। एक महापड़ाव का भी प्रस्ताव है, उस सब के ऊपर विचार किया जाएगा। 23 तारीख को 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिवस पे किसान को चेतना के लिए एक विशेष दिवस की घोषणा की गई है। ये सब कार्यक्रम आज तय किए गए हैं। इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि हमारे जो पहले इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो है अडानी अंबानी के कॉरपोरेट के गुड्स और सर्विसेज का बाइकॉट, वो लगातार जारी है। अडानी के फॉर्चून प्रोडक्ट्स और दूसरा अंबानी के जियो से इम्पोर्ट करना, उसके टोल पेट्रोल पंप्स, उसकी मॉल्स है जो उनका बाइकॉट करना, ये प्रोग्राम जो है ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं। इसके साथ ही NDA उसके पार्टनर, BJP उसके पार्टनर जो है NDA में, उन पार्टनर्स को, उनके इलेक्टेड MLAs, MP, मिनिस्टर्स को, लीडर्स के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाना, ताजो वो जो जिन्होंने ये कानून पास किए हैं वो इस गवर्नमेंट को छोड़कर वापस आए, किसानों की सपोर्ट में आए। ये तीसरा है कि हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजा जो है खुला है, वो खुले रहेंगे।